हेलो बच्चों, मैं भीम आपके लिए लेके आया हूँ जीव विज्ञान कक्षा 11 का सिलेबस। ठीक है, तो आपका जो जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा वो 100 अंकों का, जिसमें एक ही प्रश्न पत्र होगा 70 नंबर का लिखित और 30 नंबर का प्रयोगात्मक। ठीक है, प्रैक्टिकल। तो जो आपका सिलेबस होगा उसको देखते हैं। तो आपका जो सिलेबस है 5 इकाइयों में बटा हुआ है, 5 इकाइयों में बटा हुआ है। पहली इकाई है सजीव जगत की विविधता, दूसरी इकाई है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना, तीसरी इकाई है कोशिका संरचना एवं कार्य, चौथी इकाई है पादप कार्य की, और पांचवी इकाई है आपकी मानव कार्य की। ठीक है, तो जो इनका पैटर्न होगा अंक, ठीक है, जो अंक होंगे इसके, तो जो पहली इकाई से अंक आएगा 7 नंबर का, दूसरी इकाई से 12 नंबर, तीसरी इकाई से 15 नंबर, चौथी इकाई से 18 नंबर और पांचवी इकाई से 18 नंबर। तो टोटल हमारे हो जाते हैं 70 नंबर। ठीक है, तो ये 70 नंबर हो जाते हैं। तो अगर इम्पोर्टेंस की देखा जाए तो जो चौथी और पांचवी इकाई है इन दोनों से 50% से ज़्यादा, ठीक है, 50% से ज़्यादा का आता है। ठीक है, तो हम इनके जो इकाइयाँ हैं इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं इनको देखते हैं। तो हमारी जो पहली इकाई है सजीव जगत की विविधता, तो इसमें जो पहला चैप्टर हमारा आएगा सजीव जगत, दूसरा आएगा जीव जगत का वर्गीकरण, तीसरा आएगा वनस्पति जगत, चौथा आएगा जंतु जगत। ठीक, इसके बाद जो हमारी दूसरी इकाई होगी जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना, इसमें पहला चैप्टर होगा पुष्पी पौधों की शारीर की, दूसरा होगा चैप्टर इसका पुष्पी पौधों की आकार की, तीसरा चैप्टर होगा जंतुओं की संरचनात्मक संगठना, जो तीसरा इकाई हमारी तीसरी इकाई होगी कोशिका संरचना एवं कार्य, इसमें पहला चैप्टर हमारा होगा कोशिका जीवन की इकाई, दूसरा चैप्टर होगा जैविक अणु, तीसरा चैप्टर होगा कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। इसके बाद चौथी इकाई में पादप कार्य की, इसमें पहला चैप्टर होगा पौधों में परिवहन। ठीक है, पौधों में परिवहन, दूसरा इसका चैप्टर होगा खनिज लवण, सॉरी खनिज पोषण, तीसरा चैप्टर होगा उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, चौथा होगा पौधों में श्वसन, पांचवा होगा पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। ठीक, इसमें इसी में अगली जो लास्ट इकाई होगी पांचवी मानव कार्य की, मानव कार्य की होगी, इसका पहला चैप्टर होगा पाचन एवं अवशोषण, पाचन एवं अवशोषण। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा चैप्टर होगा श्वसन एवं गैसों का विनिमय, श्वसन एवं गैसों का विनिमय, तीसरा चैप्टर होगा परिसंचरण एवं देह तरल, चौथा चैप्टर होगा उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन, पांचवा चैप्टर होगा गमन एवं संचलन, छठवां चैप्टर होगा तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, और इसका सातवां चैप्टर होगा रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण। ठीक है, तो ये आ रहे हैं आपके चैप्टर। तीन अगर कुल बात करते हैं, ठीक है, कुल बात करते हैं तो इसमें अगर
चैप्टर की बात करते हैं तो टोटल हमारे 22 चैप्टर आते हैं, पांचों इकाइयों में, पांचों यूनिट में। ठीक है, हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 22 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जो 22 चैप्टर होंगे इनकी शुरुआत यहीं से होगी, सजीव जगत से। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। और ये जो हमारा सिलेबस है इसको ध्यान से देखिए, समझिए, नोट कर लीजिए, नोटबुक बनाइए, जिससे आने वाली क्लास लगातार आप पढ़ सकें। ठीक है, और हमारा इस चैनल जो माइंड ब्लोइंग क्लासेस है, ठीक है, माइंड ब्लोइंग सब्सक्राइब करिए उसको, ठीक है, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।